राजधानी देहरादून में इन दिनों अवैध रूप से प्लॉटिंग का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। पिछले दो महीने में एमडीडीए की टीमों ने लगभग 600 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग रुकवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की। बता दें कि दो महीने में देहरादून, ऋषिकेश, पचवादून, शिमला आदि जगहों में लगभग 600 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की जा चुकी है। साथ ही कई लोगों को नोटिस भी जारी किए गए, जिसके साथ ही अवैध निर्माण पर एमडीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। देखिए, इसको डिफरेंट एंगल से देखना होगा। एक तो अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से देखना होगा, दूसरा फिर आम जनता के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा। अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से तो यह है कि नॉर्मली कोई भी लेआउट है या कोई भी इस तरह की अवैध प्लॉटिंग या प्लॉटिंग होती है तो उसको अथॉरिटी से अप्रूव कराना चाहिए, ताकि उस पर प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर सड़क और सारी चीज़ें, व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से हों। लेकिन आम जनता को भी थोड़ा अवेयरनेस उस पर क्रिएट करना पड़ेगा। वो हम भी कर रहे हैं, उस पर लगातार हम अपनी वेबसाइट पे अवैध प्लॉटिंग के डिटेल डालते रहते हैं, और जिस पर कोई कार्रवाई की है तो उस जगह पर भी बोर्ड भी लगाते रहते हैं कि ये अवैध प्लॉटिंग है, यहाँ पर कोई क्रय ना करे। लेकिन इसके बावजूद अगर जनता खुद ही थोड़ा सा अवेयर हो जाए और किसी भी जगह पर प्लॉट लेने से पहले एक बार प्राधिकरण से कन्फर्म कर ले कि भाई उस जगह पर प्लॉटिंग प्रॉपर है या नहीं है, अगर वो प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस पर भविष्य में अगर वो नक्शा पास कराना चाह रहा है तो नक्शा पास होगा या नहीं होगा, तो ये आम जनता के हित में भी रहेगा। और इसके लिए हम एक अवेयरनेस कैंपेन भी लगातार चला रहे हैं, अपनी फेसबुक पे, अपनी वेबसाइट पे, अपनी ट्विटर पे, सभी जगह इस तरह के पोस्ट डालते हैं कि किसी भी व्यक्ति को प्लॉट खरीदने से पहले क्या करना चाहिए।